एक बार लाइक कर दो और इस सेशन से रोज आपको जुड़ना है रात्रि 9 बजे, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों आपका ऐप है, इस ऐप में जाकर के आप सभी साथी ये जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, ठीक है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है इस टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 रुपये में। 1500 में 12 महीने का एक कोर्स है, सभी साथी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जिनको एक कोर्स में एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने टीजीटी पीजीटी वाले केबीएस एमपी टेट वाले, है ना, सभी साथी दोस्तों एडमिशन लेके हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनको ये नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, कई पुस्तकों का निचोड़ है दोस्तों, क्रमबद्ध टॉपिक भी है ट्रिक भी है, हिंदी साहित्य के विस्तृत वाले ये नोट्स दोस्तों, है ना, गद्य और पद्य साहित्य वाले। और अगर आपको 3000 MCQ वाली ये बुक मंगवाना है तो ये बुक भी आप मंगवा सकते हो, बहुत ही शानदार बुक है 3000 MCQ वाली, ठीक है। ये बुक है जिस जो कि चैप्टर वाइज इसमें दोस्तों 3000 MCQ है, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पे संपर्क करना है, आप सभी साथी इसको मंगवा सकते हैं मात्र 599 में, ठीक है। तो सभी साथी एमपी टेट वाले टीजीटी पीजीटी जीआईसी वाले सभी साथी तैयारी में लग जाएं और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज दोस्तों हमें इसके आगे पढ़ना है ना, सभी लोग यहां पर आते हैं, ठीक है। सभी साथी जल्दी से लाइक कर दो, यहां से अतिथि देवो भव इसमें आपको बताना है, चलिए अतिथि देवो भव कहानी के लेखक कौन है चयन करना है, सभी साथी बताएंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन है, 57 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी साथियों को बताना है और एक बार लाइक जरूर करना है, ठीक है। 57 में अतिथि देवो भव, ये कई बार पूछी भी गई है दोस्तों, ये रचना अतिथि देवो भव ये कहानी पूछी गई है, सभी साथी बताएंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। सभी साथी बिल्कुल सही आंसर बता रहे कि सर ये अतिथि देवो भव ये जो कहानी है ये कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब की, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक कौन है, 58 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा सन्नाटा हो या फिर आधा सन्नाटा हो, उत्तर सभी साथियों को बताना है। पूरा सन्नाटा कहानी के कहानीकार कौन है, रचनाकार कौन है, अच्छा क्वेश्चन है। भीमसेन त्यागी हैं, मधुकर सेन हैं, नरेंद्र कोहली हैं, कौन माने जाते हैं पूरा सन्नाटा, 58 नंबर का प्रश्न है, पूरा सन्नाटा आपको बताना है। और सभी लोगों का आंसर है कि सर पूरा सन्नाटा के मधु और सर मधुकर के आने से पूरा सन्नाटा हो जाता है, मधुकर सेन बी नंबर आपका सही है। मोहनदास कहानी के लेखक कौन है, 59 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनदास कहानी के लेखक कौन है, अमरजीत जी, प्रतिमा जी, सुभाष चंद्र जी, सभी साथी बताएंगे दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहां पर मोहनदास कहानी के लेखक कौन है, योगेश गुप्त है, उदय प्रकाश है, रमेश उपाध्याय या फिर स्वयं प्रकाश है, 59 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट से, 59 में राइट आंसर है मोहनदास कहानी। और मोहनदास का क्या हुआ, बोले सर उदय से क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, उदय प्रकाश आपका राइट आंसर है, ठीक है। मोहनदास का उदय भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है, उदय प्रकाश की कौन सी नहीं है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा शुक्ला जी। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है, 60 नंबर के क्वेश्चन में, 60 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर केसर कस्तूरी ये नहीं है, सी आपका सही है, ठीक है। ये उदय प्रकाश की नहीं है कहानी, कौन सी, केसर कस्तूरी,
सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रासदी, त्रासदी माय फुट, त्रासदी माय फुट इस कहानी के लेखक कौन है? त्रासदी माय फुट, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना अभी भी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, है ना। कल से आदिकाल स्टार्ट हो रहा है, नए बैच का कल से आदिकाल स्टार्ट हो रहा है, सो जिनको एडमिशन लेना बिल्कुल भी नहीं चूकना, लाइव क्लास में आदिकाल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। त्रासदी माय फुट कहानी के लेखक बताना है, 61 नंबर का क्वेश्चन है। कुमुद जी, पंकज जी, 61 नंबर में राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? सभी का आंसर है कि सर ये है रमेश उपाध्याय, त्रासदी माय फुट, ठीक है। तो आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड इसकी, इस कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है। और अगर नोट्स मंगवाना है दोस्तों तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स, बहुत ही शानदार नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है? अच्छा ही क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर 62 नंबर के क्वेश्चन में, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड इस कहानी के लेखक बताना है, जल्दी से बताइए, चयन करिए। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश है या फिर 62 में सभी लोग चयन कर रहे हैं कि सर सी नंबर लगा दो, उदय प्रकाश, उदय, वॉरेन हेस्टिंग्स के सांड का क्या हुआ? उदय हुआ, उदय, तो उदय प्रकाश जी की कहानी है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आम आदमी जात, आदमी जात आदमी कहानी के लेखक कौन है? आदमी जात आदमी, आदमी जात आदमी, बताइए कुलदीप जी, आदमी जात आदमी कहानी के लेखक बताना है। रमा जी और आस्था जी, स्वयं प्रकाश है, नरेंद्र कोयली है, योगेश कुमार है, उदय प्रकाश है। आदमी जात आदमी, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, मनोज गुप्ता जी चयन करो, 63 का राइट आंसर, आदमी जात का आदमी, और सभी का उत्तर आ रहा है 63 में राइट आंसर है कि सर आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश कर लेता, आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश कर लेता, उसको जरूरत नहीं है किसी की, है ना। तो आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश कर लेता है, तो स्वयं प्रकाश से आपका उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रकाश, ठीक है, आदमी जात का आदमी, ये नंबर बहुत बढ़िया। केसर कस्तूरी, केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? 64 में केसर कस्तूरी, बीनू जी, प्रदीप जी, प्रमांशु जी, प्रेम कोरी जी, सभी लोग बताएंगे केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है, बताइए। रमा शर्मा जी, तनु, शीला गुप्ता जी, 64 का बहुत ही अच्छा उत्तर बताना है 64 में, और सभी का उत्तर है केसर कस्तूरी, केसर कस्तूरी कहानी के लेखक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और सभी का आंसर है कि सर शिवमूर्ति, शिवमूर्ति, है ना, केसर कस्तूरी, ये जो कहानी है ये कहानी शिवमूर्ति की है दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक है दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर कहानी के लेखक कौन है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। नीतू गुप्ता जी बताओ, दुखिया दास कबीर, कीर्ति गुप्ता, उर्मिला जी, तनु जी, दुखिया दास कबीर कहानी के लेखक चंद्र किशोर जायसवाल, विमलेश त्रिपाठी, रामदेव शुक्ल या फिर शालिग्राम शुक्ल, प्रमांशु 65 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर कहानी के लेखक बताना है, चयन करना है राहुल राज जी, और बोले सर दुखिया दास कबीर जायसवाल, है ना, तो दुखिया दास कबीर जायसवाल याद करेंगे, जायसवाल चंद्र किशोर जायसवाल, ए नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हो गया, ए नंबर राइट, है ना। काला हंस कहानी के लेखक कौन है? 66 नंबर का क्वेश्चन है, 66 नंबर में काला हंस, काला हंस बताइए जल्दी से बताओ, काला हंस कहानी, संजय जी, पायल रानी जी बताइए, चयन करिए, नागेंद्र प्रताप जी, 66 नंबर में काला हंस, काला हंस बताना है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, 3000 MCQ वाले नोट्स हो या फिर हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य वाले नोट्स हो, ये नोट्स आप अपने घर पर, आप कहीं भी रहते आप मंगवा सकते हैं। और एडमिशन लेना है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, कल से आदिकाल स्टार्ट होना है, तो आदिकाल यानी कि शुरुआत से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से आदिकाल से, तो जिनको एडमिशन लेना है कर सकते हो। काला हंस, बोले सर साली,
बोले साली जो है ना काला हंस लेके आई है, साली साली से साली ग्राम शुक्ल है ना, खा नंबर कैयक को तो साली याद आ गई होगी अपनी अपनी। बोले सर साली, राहुल राज जी साली। बोले सर साली काला हंस लेके आई। बड़ी बात है, काला हंस कहानी साली ग्राम शुक्ल है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी साथी यहां पर आ जाएं दोस्तों, है ना। आपको बताना है नीलाम, नीलाम घर, नीलाम घर बताओ। नीलाम हो जाते ना घर, तो नीलाम घर कहानी के लेखक कौन है 67 में? राजीव जी बताइए, के एम सालनी जी, संजू दुबे जी। नीलाम घर कहानी के लेखक कौन है बताओ, 67 नंबर का क्वेश्चन है। और नीलाम घर, नीलाम घर याद करो, बताओ जल्दी से, है ना। बोले सर नीलाम हो जाए घर, कब कब हो जाएगा? बोले रामदेव शुक्ल, रामदेव शुक्ल की कहानी है, रामदेव, है ना। बोले रामदेव के पूरे प्रोडक्ट खरीद लें अगर सर, तो हमारे घर तो नीलाम हो जाएगा, घर नीलाम हो गया। बोले क्यों? बोले रामदेव के हमने पूरे, रामदेव के क्या करिए? बोले पूरे प्रोडक्ट खरीद लिए, है ना। तो का नंबर, उसी नाव में सैलानी कहानी के लेखक कौन है? उसी नाव में सैलानी, उसी नाव में सैलानी, 68 नंबर का क्वेश्चन। मैंने याद भी करवाया है कई बार। कुमकुम जी बताइए जल्दी से, और विशाल जी, प्रियंका विश्वास मलिक जी, 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 में उसी नाव में सैलानी, उसी नाव में सैलानी, इस कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, मदन मोहन है, नरेंद्र नागदेव है, श्रीकांत दुबे है। तो मैंने आपको कई बार बताया है 68 में कि सर उसी नाव में सैलानी है और उसी नाव में नांगदेव, उसी नाव में नांगदेव, तो नरेंद्र नांगदेव। उसी नाव में कौन बैठे? सैलानी बैठे हैं, और उसी नाव में नांगदेव है, नांगदेव, तो नरेंद्र नांगदेव। ये आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तस्बीह कहानी के लेखक कौन है? 69 में तस्बीह कहानी, इसके लेखक बताना है, रामदेव शुक्ल है। नवनीत मिश्र है, मंजू रहते शाम है, या फिर राजीव कुमार है। तस्बीह कहानी, इसके लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आस्था सिंह जी, कंचन जी, सुनीता कुमारी जी, साधना जी, सभी लोग बताएंगे तस्बीह है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, 69 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी को तस्बीह है। प्रोफेसर तस्बीह हमें मंजूर है, तस्वीर मंजूर है, तस्बीह है या तस्वीर, है ना। तो तस्बीह मंजूर है, तेसा मंजूर है, मंजूर सी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गंधर्व गाथा, गंधर्व गाथा 70 नंबर के क्वेश्चन में बताइए। सीमा शुक्ला जी चयन करिए जल्दी से, रोहिणी जी, रमा जी, गंधर्व गाथा इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से करें। 9:45 पर टिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आएगी, 9:45 पर, सभी लोगों को देखना है ना। गंधर्व गाथा इस कहानी की लेखिका कौन है? 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया 70 में, और 70 में आपका उत्तर है मनीषा कुलश्रेष्ठ। गंधर्व की गाथा कौन बता रहे हैं? मनीषा कुलश्रेष्ठ बता रहे हैं, बी नंबर। कामरेड का कोट कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कामरेड का कोट 71 नंबर का क्वेश्चन है। कामरेड का कोट कहानी संग्रह के लेखक बताना, अखिलेश हैं, जयनंदन हैं, संजय हैं, या फिर प्रियंबद हैं। कामरेड का कोट 71 में, सभी लोग बताइए 71 नंबर में। और कामरेड का कोट का क्या करना है अपन को? प्रमांशु जी बोले सर सृजन करना है, सृजन, कामरेड के कोट का सृजन करना है, सृजन, तो सृजन से संजय, है ना, संजय हो जाएंगे सी नंबर। हरिहर काका तथा अन्य कहानियां ये किसका संग्रह है? हरिहर काका तथा अन्य कहानियां, हरिहर काका तथा अन्य कहानियां ये किसका संग्रह है? सानी, उदय प्रकाश, मिथिलेश्वर या फिर जयनंदन। हरिहर काका तथा अन्य कहानियां बताइए, हरिहर काका तथा अन्य कहानियां 72 नंबर का क्वेश्चन है। 72 में आपको चयन करना है हरिहर काका तथा अन्य कहानियां, अन्य कहानियां के संग्रह किसका है? 72 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर यानी कि आपका सी नंबर। हरिहर काका तथा अन्य कहानियां
के संग्रह मिथिलेश्वर। ठीक है, सी नंबर बहुत बढ़िया, महुआ घटवारन, महुआ घटवारन कहानी संग्रह ये किसका है? महुआ घटवारन बताना है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी साथी अपने मित्रों तक शेयर कर दो। महुआ घटवारन कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? रचनाकार आपको बताना है, पंकज सुबीर हैं, अजय नावरिया हैं, मनोज सोनकर हैं, शैलेंद्र कुमार हैं। महुआ घटवारन 73 नंबर का क्वेश्चन है, 73 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है का, यानी कि पंकज सुबीर महुआ घटवारन है ना। महुआ घटवारन के रचनाकार बताना है 73 नंबर में, और 73 नंबर में सभी लोगों का आंसर है पंकज सुबीर। पंकज सुबीर की रचना है महुआ घटवारन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ए नंबर है, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, ये नंबर महुआ घटवारन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया एक कहानी के लेखक कौन है? 74 में बताइए, अनामिका ठाकुर जी, आरती, सुनीता, सीमा जी, सभी लोग बताइए, संजय दुबे जी। सिक्का बदल गया और कृष्णा क्या करती रही बताइए? सिक्का बदल गया, तन्मय शर्मा जी, 74 नंबर का क्वेश्चन, और राइट आंसर है कि सर सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, कृष्णा सोती रही, कृष्णा सोबती, बी नंबर आपका सही है, कृष्णा सोबती राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सलाद, सलाद आ गया, सलाद बताओ, सैलाब, एक प्लेट सैलाब, इस कहानी संग्रह किसका है? कहानी संग्रह 75 में, 75 का उत्तर बताना है, 75 में। अच्छा, कृष्णा लेटी रही, बहुत बढ़िया। तो एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सलाद, सलाद मिला कहां पर? बोले भंडारे में सर, भंडारे में क्या मिला? एक प्लेट सलाद मिला, सलाद, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वापसी कहानी की लेखिका कौन है? वापसी, वापसी कहानी की लेखिका कौन है? और कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप का डाउनलोड नहीं किया? सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें, कल से आदिकाल है ना, पैड क्लास में आदिकाल का विस्तृत वाली जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है, चाहे वो साथी एमपी टेट वाले हों है ना, चाहे टीजीटी पीजीटी वाले हों, सभी साथी दोस्तों मात्र 1500 रुपये में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। सुनीता जी, वापसी कहानी की लेखिका 76 नंबर का क्वेश्चन है, 76 नंबर में राइट आंसर है उषा प्रियंवदा, वापसी। बोले सर प्रिय ने क्या की? बोले उषा में प्रिय ने वापसी की, प्रिय ने वापसी कर ली, प्रिय ने है ना। हरी बिंदी, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी बताना है विजय शंकर जी, हरी बिंदी कैसी लगती है बताइए जल्दी से, हरी बिंदी कैसी लगती है? बोले सर हरी बिंदी बड़ी मृदुल मृदुल लगती है, कैसी लगती है? मृदुल लगती है क्या विजय शंकर जी? पवन तोमर जी, हरी बिंदी कैसी लगती है? बोले सर बड़ी मृदुल लगती है, मृदुल लगती है तो मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग बी नंबर, हरी बिंदी मृदुल, मृदुला गर्ग, वेरी गुड। नेक्स्ट, सफेद कौवा कहानी की लेखिका कौन है? 78 में बताना है लवली जी। सफेद कौवा कहानी की लेखिका कौन है? मणिका मोहिनी है, मंजुल भगत है, राजी सेठ या फिर चित्रा मुदगल? 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को बताना है और राइट आंसर आपका क्या जा रहा है। सफेद कौवा कहानी की लेखिका कौन है? सभी का आंसर है कि सर सफेद कौवा भगत गाता है, मंजुल की भगत गाता है, काहे की मंजुल की है ना, सफेद कौवा मंजुल की भगत गाता है, मंजुल भगत याद रख लेना, मंजुल की क्या गाता है? भगत गाता है, सफेद कौवा, बोले भगत, मंजुल भगत। ठीक है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं इस कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह किसका है? मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं इस कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है बताइए? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 79 नंबर का क्वेश्चन है, 79 नंबर के क्वेश्चन में जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं इस कहानी संग्रह की रचनाकार बताना है और सभी का उत्तर है काय के लिए गांव आ रहे?
उड़ीसा चित्र का अनावरण करने, चित्रा मुदगल। डी नंबर चित्रा मुदगल आपका सही है। एक स्त्री का विदा गीत कहानी की लेखिका है। 80 में एक स्त्री का विदा गीत, इस कहानी की लेखिका कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। एक स्त्री का विदा गीत, इस कहानी की लेखिका राजी सेठ है, मंजुल भगत है, मृणाल पांडे, ममता कालिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्रियंका जी, तनु जी, चयन करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, है ना। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, विस्तृत वाले मंगवाना है या फिर एमसीक्यू वाले, प्रश्नोत्तर वाले, वो संपर्क कर सकते हैं। एक स्त्री का विदा गीत, और 80 का उत्तर है मृणाल पांडे। एक स्त्री का विदा गीत किसने गाया? बोले मृणाल पांडे ने गाया सर, एक स्त्री का विदा गीत है ना, ये विदा गीत मृणाल पांडे ने गाया। ढाई आकर प्रेम के और कहानी संग्रह, इसके रचनाकार बताना। ढाई आकर प्रेम के, बताइए ढाई आकर प्रेम के एक कहानी संग्रह, मेधा जी, दीप्ति खंडेलवाल, मणिका मोहिनी, मालती जोशी, सूर्यबाला। 81 नंबर का क्वेश्चन है, ढाई आकर प्रेम के, है ना, बोले सर बड़े मोहिनी मोहिनी लगते हैं ये जो ढाई आकर प्रेम के है ना, ये बड़े मोहिनी मोहिनी लगते हैं। कैसे लगते हैं? मोहिनी मोहिनी लगते, किसी को खराब तो नहीं लगते ढाई अक्षर प्रेम के? बोले सर बड़े मोहिनी मोहिनी लगते हैं, मोहिनी है ना, ये मणिका मोहिनी। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये बड़े मोहिनी मोहिनी लगते हैं ढाई आकर प्रेम के। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर है तनु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला शुक्रवार, काला शुक्रवार कहानी की लेखिका कौन है? काला शुक्रवार बताना है, मुस्कान जी, दीपक गिरी जी, अनामिका जी, बताइए सीमा जी। काला शुक्रवार 82, 82 का उत्तर है, शेयर कर दो सभी साथी, नीता जी, अनीता जी, है ना, और दोस्तों 82 नंबर में सभी साथी मिलजुल के उत्तर लगा रहे कि सर काला शुक्रवार क्या बन रहा है? काला शुक्रवार रोड़ा बन रहा है, रोड़ा। बोले सर काला शुक्रवार हमारा रोड़ा बन रहा है, रोड़ा। रोड़ा से क्या हो जाएगा? सुधा अरोड़ा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, काला शुक्रवार रोड़ा बन रहा है, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा काला शुक्रवार, बोले तो रोड़ा बन रहा है, रोड़ा, रोड़ा से अरोड़ा, ठीक है। बिना छत का मकान, बोले सर बिना छत का मकान कहानी की लेखिका कौन है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, शेरणी जी, बिंदु लता जी, गगन जी, दीपक, अनीता जी, बिना छत का मकान, इस कहानी की लेखिका कौन है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। बिना छत के मकान से क्या हो गया, चयन करो। तेज प्रकाश जी, पिनू, तनु जी, बताइए, रमा जी, बिना छत का मकान, बोले सर बिना छत के मकान से अंशु की बाली गिर गई। बिना छत के मकान से क्या गिर गई? अंशु की बाली। बोले अंशु की बाली या इंदु की बाली, तो 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 नंबर में इंदु, इंदु की बाली गिर गई। इंदु की बाली गिर गई कहां से? बिना छत के मकान से इंदु की बाली। अब मैं अगर आपसे पूछूं इंदु की बाली कहां से गिर गई, आप बताओगे बिना छत के मकान से इंदु की बाली, ठीक है, तो आपका उत्तर कहां चला जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जब तक सभी साथी लाइक तो कर दो फटाक से, है ना। जिंदा आदमी कहानी संग्रह है तो किसका है? जिंदा आदमी, जिंदा आदमी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? 84 नंबर का क्वेश्चन है, जिंदा आदमी, जिंदा आदमी कहानी संग्रह बताइएगा जल्दी से। जिंदा आदमी चंद्रकांता, कृष्णा अग्निहोत्री, जिंदा आदमी, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट से चयन करो, है ना। जिंदा आदमी कहानी संग्रह है तो किसका है? चंद्रकांता, कृष्णा अग्निहोत्री, मालती जोशी, मृदुला गर्ग। 84 नंबर का राइट आंसर आपको चयन करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिंदा आदमी, और जिंदा आदमी इसमें आपको चयन करना है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का उत्तर, और 84 में आपका उत्तर है कृष्णा अग्निहोत्री, है ना। जिंदा आदमी, जिंदा आदमी को कहां डाल दिया? बोले सर अग्नि में डाल दिया, अग्नि,
अग्नि में डाल दिया, कहां पर? जिंदा आदमी को, है ना दीपक पवार जी, अग्नि में डाल दिया, है ना, शहीद हो जाओगे। कृष्णा अग्निहोत्री आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, जिंदा आदमी कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, अलमा कबूतर कहानी संग्रह किसने लिखा? 85 नंबर का क्वेश्चन है। अलमा कबूतर बताना है, अलमा कबूतर कहानी संग्रह किसने लिखा है? मृदुला गर्ग ने, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या फिर कमल कुमार ने? चयन करो। अलमा कबूतर बताना है, 85 नंबर का क्वेश्चन है और 85 का उत्तर क्या जा रहा है? अलमा कबूतर, कई बार अपन ने पढ़ा है, कबूतर और कबूतरी, है ना, कबूतर कबूतरी बोले, इनकी क्या हो गई? बोले सर मैत्रेयी हो गई, मैत्रेयी। तो मैत्रेयी से आपका उत्तर होगा कि सर अलमा कबूतर और कबूतर कबूतरी क्या हो गई? मैत्रेयी। तो मैत्रेयी से आपको मैत्रेयी पुष्पा लगा देना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल बता दो, दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल की लेखिका बताना है। चयन करिए जल्दी से। गुलाब यादव जी बताइए जल्दी से, सुनीता वर्मा जी चयन करो। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? आरती गौर जी, 86 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी साथी बताएंगे, सभी साथी 86 का राइट आंसर सभी लोग बता रहे कि सर दूसरा ताजमहल ऐसा बनवाएंगे, ऐसा बनवाएंगे जिसका कोई सिरा नहीं होगा, ना सिरा ना सिरा, सिरा नहीं होगा, बोले ना हो ना सिरा, है ना, दूसरा ताजमहल ना सिरा। तो नासिरा शर्मा, ठीक है, सिरा नहीं है कोई, नील गाय की आंखें इस कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह किसका है? कमल कुमार, नमिता सेन, कुसुम चतुर्वेदी या फिर मैत्रेयी पुष्पा? 87 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथियों को बताना है दोस्तों। और जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप सभी साथी डाउनलोड कर ले, सेल्फ स्टडी क्लासेस, नील गाय की आंखें, 87 नंबर का क्वेश्चन है। ये वो कहानियां हैं जो बहुत है ना बड़ी मुश्किल से याद होती हैं। और नील गाय की आंखें कैसी हैं? बोले नम है, नम नम है, तो नम से बनेगा नमिता। नील गाय की आंखें कैसी हैं? नम है तो नमिता सह, नमिता सह, यानी कि उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, नमिता सेन। ठीक है माया जी, बहुत बढ़िया, नमिता सेन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंटाइन डे। देखो 88 नंबर में वैलेंटाइन डे आ गया, ये कहानी संग्रह बता दो। वैलेंटाइन डे कहानी संग्रह किसकी है? ये चयन करना है, 88 का उत्तर 88 नंबर में। बोले सर अब की बार वैलेंटाइन डे में गुलाब ना देकर क्या दोगे? बोले गुलाब नहीं देना सर वैलेंटाइन डे में, क्या देना है फिर? कमल लेके जाना, कमल क्या लेके जाना है? कमल लेके जाना है, गुलाब नहीं, बोले सर कमल ही लेके जाएंगे पूरा कमल, है ना, तो कमल से हो जाएगा कमल कुमार। इनकी कहानी है कौन सी? वैलेंटाइन डे, क्या लेके जाना है? कमल, कमल से कमल कुमार। ठीक है बी नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्रौंच बद्ध तथा अन्य कहानियां, क्रौंच बद्ध तथा अन्य कहानियां, रीता शुक्ला, सारा राय, गीतांजलि श्री या फिर मुक्ता? राजेश्वरी जी, सुधाजी, सभी लोग बताइए जल्दी से, चयन करना है ना। 14 फरवरी नहीं आया, अच्छा 14 फरवरी का इंतजार ही करते रहोगे तुम दीपक पवार जी, है ना। तो क्रौंच बद्ध तथा अन्य कहानियां संग्रह इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका बताना है सारा राय, सभी लोग बताइए जल्दी से, है ना, राइट आंसर क्या है? सारा राय, गीतांजलि श्री, मुक्ता या फिर 89 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है क्रौंच बद्ध, है ना, रीता, रीता शुक्ला, रीता शुक्ला अपन को लगा देना है 89 नंबर के क्वेश्चन में। का नंबर आपका बिल्कुल सही है, रीता। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आएगा अवावील, अवावील की उड़ान, कहानी संग्रह किसका? अवावील की उड़ान, 90 नंबर का क्वेश्चन है, अवावील की उड़ान कहानी संग्रह है, तो किसका कहानी संग्रह है? अवावील की उड़ान, उड़ान भरना है अपन को, अवावील की उड़ान 90 नंबर के क्वेश्चन में।
राइट आंसर है भाई, कोई उड़ान भरेगा तो कैसा हो जाता है, सारा रहा है सारा रहा, ऐसा होते ना उड़ान भरता है तो बोले बोले सर 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 कर रहा है सारा रहा है ना, तो सारा रहा है अपन को याद रखते ना, बोले सर सारा राय ने अबाबील की उड़ान भरी। किसने भरी? विजय शंकर जी। बोले सर सारा राय ने का नंबर, अवावील की उड़ान किसने भरी? सारा राय ने भरी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। के आर ऑफ स्वात घाटी, के आर ऑफ स्वात घाटी कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? के आर ऑफ स्वात घाटी 91 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी साथी बताएंगे। और 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आप सभी को देखना है ना। के आर ऑफ स्वात घाटी, के आर ऑफ स्वात घाटी बताना है। जया जादवानी है, मनीषा कुलश्रेष्ठ है, उर्मिला श्रीस है, मधु कांकरिया है, कांकरिया पाथरिया। 91 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है सभी का, उत्तर जा रहा है मनीषा कुलश्रेष्ठ, के आर ऑफ स्वात घाटी है ना। केयर बोले सर कुलश्रेष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ केयर बहुत करते हैं है ना, केयर करते हैं। बी नंबर आपका सही है, केयर में आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है शहर में अकेली लड़की, शहर में अकेली लड़की कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? शहर में अकेली लड़की, शहर में अकेली लड़की बताना है। चयन करो उर्मिला श्रीस, मधु कांकरिया, लवलीन या फिर मुक्ता। शहर में अकेली लड़की 52 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है शहर में अकेली लड़की है। बोले कौन? उर्मिला। उर्मिला शहर में अकेली लड़की है। उर्मिला गाना नहीं सुना? उर्मिला ए उर्मिला ए उर्मिला, उर्मिला अकेली लड़की। बोले उर्मिला श्रीस, शहर में अकेली लड़की है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 92 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताला बंद है कहानी संग्रह, ताला बंद है ये कहानी संग्रह बताना है। साधना जी, आरती जी, सभी साथी बताएं जल्दी से, प्रिंसी जी, निशा जी, प्रियंका जी है ना। ताला बंद है 93 नंबर का क्वेश्चन है, ताला बंद है और सभी लोगों ने आंसर बताया है छितिज, छिति छिति कर दो। बोले ताला बंद है तो उसको छिति छिति कर दो, क्या कर दो? छिति छिति कर दो, तोड़ दो है ना। अब ताला बंद होता है चाबी खो जाए अगर है ना, वो गाना नहीं सुना? ठीक है, ना दीपक जी चाय की चुस्की नहीं ले रहे बेटा, हम पानी पी रहे हैं, देख रहा है। इसको ना कमल बोलो तो गुलाब दिखता है और पानी पियो तो इसको चाय दिखता है ना, और पता नहीं क्या क्या देखता है। ठीक है, तो ताला बंद है, बोले छिति छिति कर दो, छिति से छितिज शर्मा। ये नंबर आपका सही है। दीपक पवार रसिया बहुत है, रसिया है, रसिया है ना। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? ब्रेन ट्यूमर बताइए जल्दी से है ना। यहां पर आपको बताना है किस कहानीकार, अब एक दिन एकाध दिन ये शहीद हो जाएगा ना, एक बार इसको शहीद करना पड़ेगा, दीपक पवार जी को शहीद कर देंगे, उसके बाद सही हो जाएगा ये है ना। ब्रेन ट्यूमर बताइए, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? 94 नंबर का क्वेश्चन है, 94 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो रहा है 94 में, तो उत्तर है तो ए, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? राइट आंसर है श्रीकांत वर्मा। बी नंबर श्रीकांत वर्मा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छह कहानी किसने लिखी है दोस्तों? छह कहानी, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल, जल्दी से बताइए छह कहानी किसने लिखा लिखी है? 95 नंबर के क्वेश्चन में छह कहानी बतानी है, बताइए, चयन करिए जल्दी से। 95 अपने ग्रुप में जो शहीद हो जाते ना एक बार, वो फिर कमेंट नहीं कर पाते, पता है ना सबको, शहीद हो जाते तो कमेंट नहीं कर पाते। 95 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है छय, तो छय अपन को याद रख लेना है। छय में मन्नू भंडारी, छय में आपका मन्नू भंडारी, सी नंबर आपका सही है। छय कहानी है ना, ये किसकी है? छय, तो
95 नंबर का क्वेश्चन है मन्नू भंडारी, छह छह याद रख लेना है, ठीक है मन्नू भंडारी। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? बोलने वाली औरत, राहुल राजजी, मृणाल पांडे, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, चयन करिए फटाफट से। हेलो, हाँ, लगा रहे अभी क्लास चल रही। बोलने वाली औरत कहानी संग्रह की लेखिका बताना है, जल्दी से बताइए फटाक से। बोलने वाली औरत, ठीक है, तो यहां पर 96 का उत्तर है बी, ममता कालिया। ममता कालिया सही है। ए, प्रेत योनि कहानी की लेखिका है, प्रेत योनि। 97 में मृदुला गर्ग है, दीप्ति खंडेलवाल है, चित्रा मुद्गल है, नासिरा शर्मा, प्रेत योनि इस कहानी की लेखिका कौन है? 97 का बहुत शानदार क्वेश्चन है और प्रेत योनि में आपका उत्तर है चित्रा मुद्गल, है ना, प्रेत योनि, चित्रा मुद्गल, ठीक है, चित्रा मुद्गल सी नंबर 97 नंबर के क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही है। क्लीन चिट कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? 98 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। क्लीन चिट कहानी संग्रह की लेखिका, चयन करिए अंशु जी, प्रिया जी, सभी लोग बताइए। क्लीन चिट, क्लीन चिट किसको मिल जाएगी? क्लीन चिट 98 नंबर में, और 98 का उत्तर है योगिता, योगिता, योगिता यादव, क्लीन चिट, है ना, योगिता। बोले सर योग्यता को क्लीन चिट मिल जाएगी, योग्यता को, योग्यता को क्या मिल जाएगी? क्लीन चिट किसको मिल जाएगी? योग्यता को, ठीक है। योग्यता सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गली दुल्हन वाली, गली दुल्हन वाली कहानी की लेखिका कौन है? 99 नंबर में परमजीत जी, गली दुल्हन वाली इस कहानी की लेखिका कौन है? गली दुल्हन वाली 99 नंबर का क्वेश्चन है और सही आंसर है दुल्हन वाली गली कौन है? बोले मीरा कांत। दुल्हन वाली गली कहाँ है? मीरा कांत, मीरा कांत सी नंबर आपका सही है, ठीक है। जोड़ बाकी, जोड़ बाकी कहानी बताना है, जल्दी से बताइए। जोड़ बाकी कहानी संग्रह 100 नंबर का क्वेश्चन है, जोड़ बाकी है, जोड़ बाकी है, शशि प्रभा, शिवानी, चंद्रकांता या फिर ममता कालिया, जोड़ बाकी, जोड़ बाकी कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? शशि प्रभा है, शिवानी है, चंद्रकांता या फिर ममता कालिया है? जोड़ बाकी 100 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर शशि और प्रभा का जोड़ बाकी है। शशि और प्रभा का क्या बाकी है? जोड़ बाकी है शशि और प्रभा का, ठीक है। तो यहां पर आकर के दोस्तों अपनी जो कहानियां हैं, कहानी वाला चैप्टर यहां पर खत्म होता है। 100 कहानी के अपन ने 100 प्रश्न दोस्तों यहां पर पढ़ लिए हैं पूरे के पूरे, है ना। सुनीता जी, अब 9:45 पर एक क्लास आएगी काय की दोस्तों, ट्रिकी गुरु यूट्यूब चैनल पर, सभी साथी जरूर देखेंगे। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है इस टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये अपन को याद रखना है ना, तो टीजीटी पीजीटी वाले सभी साथी, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले सभी साथी भी, ठीक है, ये अपन को याद रख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो दीपक पवार जी को बुरा लग गया है, यही होता है कि अब जब आप 10 बात बोलते हो तो किसी को कोई बुरा नहीं लग रहा है, और यहां से अगर एक बात बोल दी जाती है तो आपको बुरा लग जाता है। ये है आपका रसिया मिजाज, आप 10 बात बोल रहे हो, यहां वहां की बातें करके घुमा फिरा के कितनी बातें बोल रहे, वो कुछ नहीं है। एक बात यहां से बोल दी जाती है तो आपको क्या लग जाता है? खराब लग जाता है। ये है आपका मिजाज, रसिया मिजाज, है ना। कोई बात नहीं, खैर सेल्फ स्टडी क्लासेस के जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथी दोस्तों क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारे सभी साथी, और जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, ठीक है। और इसी प्रकार से सभी साथियों को अध्ययन करना है, लगे रहना है, ठीक है, और निरंतर दोस्तों क्या करना है, पढ़ती रहना है, अध्ययन करती रहना है
है ना, और लगे रहो इसी प्रकार से। दीपक जी, जब आप इतना रस लेते हो तो थोड़ी सी बातें सहन करने की भी योग्यता रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं क्यों करूंगा ब्लॉग व्लॉग, मैं तो आपकी ही भाषा में थोड़ा मजाक कर देता हूं, और मेरी मजाक आप सहन नहीं कर पाए। आपकी मजाक तो मैं सहन कर रहा हूं, बाकी स्टूडेंट भी सब सहन कर रहे हैं कि चलो रसिया मिजाज के हो तुम, सब सहन कर रहे हैं है ना, और देख रहे हैं। बाकी आप भी थोड़ा सा सहन करना सीखो, जब आप कर रहे हो ना मजाक, मजे ले रहे हो, रस ले रहे हो क्लास का, तो दूसरों को भी रस लेने दिया करो, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे, ना किसी को दिक्कत है, पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को, राहुल जी, अंशु जी, शांति जी, कुलदीप जी, सुवेदार जी, आरती जी, संजू जी, देवव्रत, रीता जी है ना, और वीरेंद्र जी, आरती यादव, कंचन जी, चपन जी, रीना, तेज प्रकाश जी, अनीता राजपूत जी, बिंदु जी, ठीक है, मोटिवेशनल जी, वैभव जी, राहुल राज जी, सोनू कुमार जी, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। और दोस्तों निरंतर अध्ययन करें, ये चैनल ही आप लोगों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूं मस्ती से पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल, पेट भर भर के रस लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई बात नहीं, हंस हंस के पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद सभी को, ठीक है, जय हिंद।